Chairman, sir, when Dr. Radhakrishnan was on a tour of the United States and he finished speaking, President Kennedy rose up and said that it's very difficult to speak after an intellectual giant has finished speaking. In the same vein, referring to our fatherly figure, Dr. Karan Singh, I think the timing that has been given to me is difficult. But sir, I shall try to do justice as far as possible. जम्मू कश्मीर की चिंता हम सबको है और ये संतोषजनक बात है कि इस तरफ उस तरफ दल कोई भी हो सबको चिंता है। नेता विपक्ष का गहरा ताल्लुक है जम्मू कश्मीर से, डॉक्टर साहब का है, हमारे पीडीपी के दो साथी और भाजपा के साथी, सबका संबंध जम्मू कश्मीर से है। मेरा व्यक्तिगत संबंध जम्मू कश्मीर से है और भारतवर्ष से भी है और इसलिए चिंता उतनी है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं है। केवल मेरा आपके समर्थ प्रस्तुत होने का एक ही उद्देश्य था। काफ़ी दिनों से ये बहस चल रही है इनसाइड एंड आउटसाइड दी हाउस और शायद एक मर्यादा है कि मंत्री होने में ज़रा बोलना कम पड़ता है इंटरवेंशन का, तो इसलिए वो कहते हैं कि मजबूर बहुत करता था दिल तो जुबान को, कुछ ऐसी कैफियत है कि कुछ नहीं कहते, तो इसलिए कुछ नहीं कहा इतने सप्ताह। लेकिन लगा कि कहीं ना कहीं, एज वॉज बींग मैंशनड राइटली बाई आज़ाद साहब, डॉक्टर करण सिंह, अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, टाइम हैज़ अराइव टू राइज अबव पोलिटिकल लाइन्स। एंड आई वुड रादर एड, शायद छोटे वो बड़ी बात, टू फेस द इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स एंड राइजिंग अबाउट पॉलिटिकिंग। कभी कभी जाने अनजाने में हम वो बातें कह जाते हैं जो हमें राजनीतिक या दूसरे पहलुओं से अनुकूल लगती हैं। सबसे पहले तो ये विषय क्या है जम्मू कश्मीर का, हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का टूट अंग है, इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, वट एवर बी दी स्टेटस लेवल ऑफ रिलेशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सन 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने ही सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर को लेकर के यदि कोई बकाया विषय है तो मात्र इतना कि पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को किस प्रकार से छुड़ा करके पुनः भारतवर्ष में सम्मिलित किया जाए। आई थिंक दैट शुड हैव एंडेड द मैटर देयर। There was a unanimous resolution, and then we should have proceeded forward on those lines. Fortunately or unfortunately, from time to time we succumbed to certain other temptations. और अब कुछ ऐसे प्रश्न पिछले कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से उठ रहे हैं, मुझे लगा उनका सामना करना जरूरी है, नहीं तो ये विषय और उलझता जाएगा। जैसे हमारे साथी लावे जी ने ठीक कहा, जम्मू कश्मीर हैज़ ए लेगेसी एंड इट सेट एन एग्जाम्पल विच डिफाइड द टू नेशन थियरी एंड इन फैक्ट विंडिकेटेड इंडिया स्टैंड टू बिकम अ सेक्युलर स्टेट। एंड नॉट ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर इट वॉज एन एग्जाम्पल, इट इंस्पायर्ड एन एंटायर नेशन। शायद पुराने लोगों को याद होगा, प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम नाम का एक मंच बना, डॉक्टर करण सिंह जी उसके गवाह हैं, जिसमें कैफी साहब थे, मोहसिन भोपाली थे, साहिर थे, हु एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस एंड अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दैट हैज़ बीन द लेगेसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंटेग्रेशन विद इंडिया। और जब बंटवारा हो गया तो साहिर आउट ऑफ डिस्गस्ट हैड रिटन कि वो वक्त गया, वो दौर गया, जो दो कौमों का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। सच वॉज द एक्सटेंट ऑफ डिस्गस्ट एंड देयरफॉर अ स्टेट विद अ मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी चोज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस गॉट विंडिकेशन इन द फॉलोइंग ईयर्स, नॉट ओनली ऑन दिस साइड, इवन ऑन द अदर साइड। सून आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान, फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर नहीं। ही वॉज ट्राइंग टू से दैट वी हैव बीन बिफोल्ड इन टू बिलीविंग समथिंग विच वॉज नॉट एक्चुअली द ट्रुथ।
he could not say it in so many words. Later on, he even got imprisoned under General Ayub Khan. And therefore, Progressive Writers Association. And therefore, the point is that every nation, and why only nation, every society, at some point or the other has to draw a bottom line of how far and what not more. And this is also true with the most developed and most liberated democracies of the world. I'm just reminded of a small incident which used to be very fondly told by one of the very senior journalists who later on became a member of the House, the same House, he's no more now. After 1965 war, when President Johnson was the president and Kashmir issue had been in the news all over, after the Tashkent Pact and all those things. So, inhone Johnson se jab baat chali, to Johnson and the others, there were a section of media and the America press which was pointing to Kashmir being a disputed case, etc., etc., and accession being under question mark. So, somebody pointed out to President Johnson, okay, what about Atlanta? What about other states? They also have a history which is to a lesser or greater extent similar to that, because after all it became a conglomeration of the states. So President Johnson lost his cool and said, look here gentlemen, this is a closed chapter. We do not open closed chapters. The problem with us in India, and that is why I have dared to stand up today, is that we do not close chapters. And sometimes when convenience suits us, we open chapters. Gade murde ukhaad lete hain. Kabhi kabhi hame jab zarurat ho. I'm not saying for myself or others, I'm saying for the entire society. And sometimes I also dread to think that over the years, particularly after this 25 years of a protracted phase of militancy in Jammu and Kashmir, kabhi kabhi aisa lagta hai, a message has gone rightly or wrongly, that there is a premium on anti-India activism, a premium on anti-India intellectualism. आप हिंदुस्तान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं तो आपका नाम भी बुलंद हो जाता है, आपकी किताब भी हिट हो जाती है. I do not know whether it would be parliamentary to say whether sometime somebody could contemplate or give a serious thought to this kind of an intellectual terrorism, which is in itself going to create lot of implications. ये बुद्धिजीवियों का एक नया रिवाज और शायद उसी में ख्याति भी प्राप्त हो जाती है. एंड दैट हैज एंड उसका नतीजा परिणाम अनेकों मॉडल पिछले 20 सालों में दिए जा रहे हैं कश्मीर को हल करने के. इन स्पाइट ऑफ व्हाट आई सेड अ फ्यू मोमेंट्स अगो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 1994 एंड केम टू अ कंसेंसस, डू वी नीड अनदर रेजोल्यूशन? एंड सिंस स्टिल वी आर कमिंग आउट विद मॉडल्स, ये मॉडल, वो मॉडल, दिस मॉडल, दैट मॉडल, बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए, हो तो कब हो, कितनी हो, कांट वी कम टू अ कंसेंसस ऑन दिस? और जिसके साथ नहीं हो सकती उसके साथ करने के लिए भी विवाद है. देयर इज अ फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब, यू कैन नॉट शेक हैंड्स विद अ क्लेंच्ड फिस्ट. एंड आई एम प्राउड टू से दैट दिस कोटेशन वॉज मोस्ट ऑफन कोटेड बाई नन एल्स बट प्राइम मिनिस्टर मिसिज इंदिरा गांधी. एटलीस्ट to identify which is clenched fist, can't we come together? Because that is a common enemy to all of us. And therefore, sir, I think one of the greatest saving graces in the entire turmoil, because if we go down to history, then I can go back one century back, that would take long and it's already been talked about. Dr. Karan Singh ji rightly mentioned, even in the constitution of Jammu and Kashmir, which I am carrying with me, it has been mentioned that we, the people of state of Jammu and Kashmir, I will not go in the whole, having solemnly resolved in pursuance of the accession of the state to India on the 26th of day of October 47, as Dr. Sahib was mentioning, to further define the existing relationship of the state with the Union of India as an integral part. ये भारत का संविधान नहीं कह रहा, ये जम्मू कश्मीर का संविधान कह रहा है. जम्मू कश्मीर is unique in the sense that it has its own constitution. The constitution of Jammu Kashmir itself says I am an integral part of India. The house
by unanimity says, and still we have to debate what is the model we have to follow. जहां तक आज के, because I'll come direct to this because so that I don't want to take long. Children are getting killed, and that it is everybody's concern. Children are common to us. हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं बच्चे सांझे होते हैं. Children have no religion. Children have no parentage. Regardless of it is his child, my child, Hindu child, Muslim child, Sikh child, as long as a child gets killed, it should awaken nation's consciousness. But what is something which should not go unnoticed is that most of these children who got killed, sir, were the children of the poorest sections of valley. Who is to answer this? Ye prashn abhi tak nahi aaya. The lowest and the lowest, the poorest of the poorest have lost their children. And those who have motivated these children to come forward in the name of so-called jihad have very safely kept their children in safe havens in India's metros and abroad. और ये प्रश्न जो शायद इनकन्वीनियंट है मैं इस सदन में करना चाहता हूं. And as Gandhi once said, what use is the war for freedom if it leaves behind a trail of orphans, bereaved and widows, however holy may be the objective of liberty. अगर ये जिहाद इतना महान है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि यहां से उठकर के सीधा जन्नत तक जाने का मौका है, तो अपने बच्चों को पहले क्यों नहीं जन्नत में जाने का मौका दिया जाता? अपने बच्चों को बंबई, बंगलौर, विदेश में रखा जाए और गरीब के बच्चे को उकसाया जाए कि तुम जन्नत की राह देखो. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू कम फेस दिस एंड मोटिवेट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. द सेविंग ग्रेव टुडे सर इन कश्मीर वैली इज द यूथ. यूथ ऑफ टुडे इज नो लॉन्गर द यूथ ऑफ 25 ईयर्स अगो और 60 ईयर्स अगो. It is an awakened youth, as Derek was rightly saying, open to internet, open to all means of communication. And I'm not sure, as he's rightly said, whether we should debar them from those means of communication. Let them get exposed and let them learn by themselves. And we have to facilitate that. The youth of Kashmir wants to be the beneficiary of India's success story. Wo nahi chahta ki jis prakar Bharat Varsh ke baki yuvaon ko itni anginit aur adbhut yodhaon ka ye laabh mil raha hai, उससे वो वंचित रह जाए. लेकिन कुछ एक लोग उसको उस बहकावे में या मजबूर करके ला रहे हैं. एंड दैट इज आवर एसेट. दैट इज व्हाट वी हैव टू टारगेट एंड एंगेज. मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, हम आंकड़ों में ना उलझें. बार बार इस सदन में बात आई और यदि उलझना ही होगा तो उसका उत्तर है, बट एज आई राइटली एग्री, two wrongs don't make one right. I'll just take 3 minutes more, sir, precisely, not more than that. I'm not repeating even a single word what I'm saying. Okay. बार बार ये कहा गया, ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई तो सारा गदर हो गया. 2010 में, I'm not trying to be political, I'm just trying to educate myself and possibly, if I'm wrong, please forgive me, you can accuse me. I can be accused of ignorance, but not of wrong facts. And I also don't want to match statistics because that's not fair. We don't have to match how many killings happened under me and how many under you. लेकिन बार बार ये कहना क्या अर्थ है? 2010 में हमने क्या किया? क्या किया? 100 से अधिक लोग मर गए. 2008 में हमने देखे क्या किया? क्या किया? हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आंदोलन अमरनाथ आंदोलन हुआ 2008 में. नेता विपक्ष उस समय मुख्यमंत्री. आई एम नॉट कॉजिंग इंसिनुएशन, आई डेयर नॉट, ही इज more than an elder brother to me. I'll have to ask for forgiveness in the evening. But what I'm saying, wo aapne tyag patra de diya tha. What I'm trying to say is that let us not get into this match of matching figures, because this is wrong happened. And if we let's now we are living in an evidence based era. Hamare bacche hamare sath kyon nahi chal rahe? Why are we unable to carry these youth with me? Because unhe lagta hum jhoot bol rahe hain. अगर हम उनको आंकड़ों के आधार पर, तर्क के आधार पर बात करेंगे, हम आपका अपना बच्चा वो भी तब आपके साथ चलेगा. आजकल तो माँ बच्चे बच्चों से भी बात करनी हो तो आपको एविडेंस के साथ बात करनी है. जब उन्हें लगता है कि हम घुमा फिरा के मैनिपुलेट कर रहे हैं बात, तो वो हमसे जुदा हो जाते हैं.
अब ये कहा गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी अगर ना आती कोलिशन में तो सब ठीक रहता। डॉक्टर कर्ण सिंह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इतना बड़ा टूरिस्ट सीजन था कश्मीर में, 8 जुलाई को ये हत्या हुई है इस आतंकवादी युवा की, 7 जुलाई तक जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वहां होटल तक बुक नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार मार्च 2015 से बनी तो 1.25 साल तक कुछ नहीं हुआ, रातों रात ही कुछ हो गया। यदि भाजपा ही एक कारण होती तो 1.25 साल में भी तो कुछ ना कुछ होता। और दूसरा सवाल, लेट अस नॉट टेक दिस एलिबी टू सेटल स्कोर्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ बीजेपी एंटरिंग इनटू कोलिशन, देन आई विल हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। व्हाट हैपेंड फ्रॉम 1990 टू 2015 वाज बिकॉज कांग्रेस एंटर्ड इनटू कोलिशन विद पीडीपी, वाज बिकॉज कांग्रेस एंटर्ड इनटू कोलिशन विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन अदर वर्ड्स, इफ कांग्रेस एंटर्स इट इज ओके, इफ बीजेपी एंटर्स इट इज रॉन्ग। वी हैव टू राइज अबाउट दिस एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वी नॉट रेज द बोगी ऑफ दिस। एंड ऑफ कोर्स इफ बीजेपी एंटर्ड इनटू कोलिशन इट वाज अ मैंडेट डिक्टेटेड बाय द पीपल ऑफ the state, we had 2 largest parties. Any other coalition, just 1 minute more sir, would have been illegitimate. Is closing. मैं इतने चाहता Concluding. हूं, मैं इतने चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई रास्ता भी बताइए कि क्या हो, किस तरह से हो, क्योंकि वहां रहने वाले आप वहां नहीं, नहीं, हैं। अगर हम झूठे सच पर यकीन करके रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। मैं दरवाजे तक आ रहा हूं, फिर रास्ता ही दूंगा। सिर्फ ये 2 मिनट और। ऑल पार्टी मीटिंग बात की जाती है, बहुत बढ़िया ख्याल है, साउंड्स सो गुड एकेडमिकली आइडियोलॉजिकली एवरीबॉडी, व्हाई नॉट वी हैव टू टॉक, व्हाई नॉट टॉक। अब एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, बुरा ना माना जाए, गृह मंत्री श्रीनगर में 2 दिन प्रवास किए, 23 तारीख 24 तारीख, एक नहीं अनेकों संदेश भेजे गए कांग्रेस पार्टी को, क्या करके मिलिए, सब पार्टियां मिली, कांग्रेस पार्टी नहीं मिली। जब आप उनके घर जाइए तो मिलने से इनकार है, जब आप दिल्ली लौट के आइए तो आपने हमसे मीटिंग क्यों नहीं की। व्हाट डज दिस मीन, आर वी गोइंग टू एक्सपोज आर सेल्स टू डुप्लीसिटी टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड देन ट्राइंग टू बी क्रेडिबल, और आर वी ओपनिंग आर सेल्फ टू द एक्विजिशन दैट वी स्पीक 1 लैंग्वेज इन श्रीनगर, द सेकंड इन जम्मू एंड थर्ड इन दिल्ली। इन द डेज ऑफ इंटरनेट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो एंड समवेयर वी विल हैव टू आंसर। शायद ये सदन को ये बात की जानकारी रही, और मुश्किल क्या है कि हम कुछ बातें खुद भूल जाते हैं, स्वभाव में है, कुछ हमारी याददाश्त कमजोर है, कुछ भुलवाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वो जैसे एक पुराना बहुत गीत है जिया जी बैठी हैं कि तुम अगर भूल भी जाओ तो यह कहे तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो जिन्होंने जमीन से मोहब्बत की है वो नहीं भूलेंगे। यदि इतनी ईमानदारी के साथ आपको अपना पक्ष रखना था तो आपके घर जाकर के जब मिलने का प्रयास किया गया तो क्यों नहीं मिले। अब बात हो रही है हुर्रियत की या दूसरे लोगों से, मिलने का कोई इतराज नहीं, वी कैन टॉक, द क्वेश्चन इज होम टू टॉक, हु रिप्रेजेंट्स जम्मू कश्मीर, बाई कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हुरियत से मिलने का हर्ज कोई नहीं है, दे आर मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी, अगर आप कहें, दे हैव नेवर एक्सपोज देमसेल्फ टू द टेस्ट ऑफ बैलेट द लास्ट 25 इयर्स, सम ऑफ देम हैव बीन मेंबर्स ऑफ द मेनस्ट्रीम पार्टीज आर स्टिल ड्रॉइंग पेंशंस, आई डोंट वांट टू नेम दोज इंडिविजुअल्स, मेनी ऑफ अस आर नोन अबाउट इट। और तीसरी बात, आप बात करते हैं, मुझे दुख हुआ, तो स्टेक होल्डर्स कौन है, कश्मीरी पंडित कहां गया, ये कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, फलानियत, ढलानियत, कैन यू हैव कश्मीरियत विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कश्मीरी पंडित। और फिर वो शेर है कि मैं चमन में चाहे कहीं रहूं, मेरा हक है फसले बहार पे, कश्मीरी पंडित इवन इफ लिविंग आउटसाइड द वैली हैज इज एन इक्वल स्टेक होल्डर। और अब आरोप ये लगाया जाता है कि खुद गया वो, मोहसिन भोपाली ने कहा था कि बेसबब लोग छोड़ते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलते हुए नशे मन अपना। स्टेक होल्डर इज कश्मीरी पंडित, स्टेक होल्डर इज द रिफ्यूजीज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, स्टेक होल्डर इज पीओजे के रिफ्यूजी, स्टेक होल्डर इज द सिख कम्युनिटी, स्टेक होल्डर इज जम्मू, स्टेक होल्डर इज लद्दाख। बात करनी है तो सबके साथ बात की जाए, बिल्कुल। अब मुझे खुशी है कि इस बात पर हमारी सहमति हो गई, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि इस स्कोरिंग में हम भूल जाए, जैसा कि बार बार कहा
the actual mischief is being perpetrated by Pakistan. And therefore, we have to come around and actually recognize that this is one of the best opportunities to confront Pakistan. The myth of non-state actors, नहीं, पाकिस्तान तो आपका भी दुश्मन है. The myth of non-state actors has been blown. We earlier also contended that non-state actor also, as long as it originates from Pakistan soil, it is the responsibility of Pakistan. They have now started themselves confessing it. The spillover, which was risking last week, as Dr. Saab was mentioning, Kishtwar mein koi thoda sa tension hua pichle saptah. These are matters of concern which we'll have to look into. Kashmir, as far as we are concerned, the present government is concerned, is our nerve center, and all of us. Now, please, we cannot forget, we have invested very heavily in Jammu and Kashmir. More so the party I belong to. We lost our founder, Jama Prasad Mukherjee, on the soil of Jammu and Kashmir. So how can we be otherwise? But this is the time to rise above all this, and therefore, without taking much time, I would just sound a note of warning. Sometimes it happens, jab koi halaat bigad jata hai, to hume lagta hai ke we can impose our adversary. I am concluding, sir. Okay. लगता है आज मैं ऑपोजिशन में हूं तो जो रूलिंग पार्टी में उसको कहा जाए. बट लेट्स नॉट फॉरगेट, इफ वी फॉल टू द टेम्पटेशन ऑफ यूजिंग द बोगी ऑफ टेररिज्म टू सेटल स्कोर विद पॉलिटिकल एडवर्सरीज, वी मे समटाइम्स आवरसेल्व्स कम टू दैट, एंड दैट हैज बीन सीन टू हैव हैपेंड. एंड देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज टू हैव पॉलिटिकल ऑनेस्टी बिफोर पॉलिटिकल अप्रोच, एंड नॉट टू डू और से एनीथिंग विच directly or indirectly tends to demoralize the security forces of India. It is because of the security forces that Jammu and Kashmir is today, in the last 3 days, showing a semblance of normalcy. We are proud of them, and we have to reinforce their efforts while at the same time discharging our political responsibility in the best honest way possible. Thank you very much. Thank you.